लेकिन उसी समय एक राजा अपने लाल लश्कर के साथ आया तेरे उस जंगल में। उसके ठाक बात को देखकर तेरे मन में आई कि मैं भी राजकुमार होता, बस मन में तो कहना नहीं पड़ा। राजकुमार होता की भावना मन में आई और मैंने हाथ बढ़ाते बढ़ाते खींच लिया राम सदा से राज्य। जब राजकुमार बनने की इच्छा हो गई तो एक बार बेचारे को दो मौका राजकुमार बनने के, इसीलिए इस जन्म में तू राजकुमार बना, नहीं तो मेरे धाम में मेरी गोद में होता। अब तो ध्रुव को इतना अफसोस हुआ, हाय हाय कहां तो मैं प्रभु की गोद में होता और कहां आकर के संसार में पड़ा भटक रहा हूं। क्यों मेरे राजकुमार बनने की इच्छा क्यों की? जीव की एक एक वासना इसे न जाने कौन कौन घाट का पानी पिला देती है, और जिनके हृदय में हजारों तरह की वासनाएं उठती रहती है उनका क्या हाल होगा। आज अफसोस हो रहा है, राजकुमार बनने की कामना ने मुझे प्रभु की गोद में जाने से रोक दिया, संसार में जाकर पटक दिया। लेकिन अब क्या है, जीव निकल चुका है तमाम। प्रभु ने कहा, हाँ कोई कहे कि प्रभु, रोगी कहे कि हमें खटाई दे दो, आम का आचार दे दो, तो क्या बैठ दे देगा? इसमें राजकुमार बनने की इच्छा थी तो क्या, ये तो पुत्र से था, क्यों आपने दिया? इसमें तो ध्रुव का नुकसान हुआ, एक जन्म का चक्कर पड़ा। तो प्रभु कहते कि मैंने भी इस पर विचार किया था, ध्रुव को तो एक जन्म का चक्कर जरूर पड़ा, लेकिन कितने लोग जन्म जन्म के चक्कर से बच जाएंगे? क्योंकि उस समय ध्रुव को मैं लेता धाम में तो ध्रुव अकेले आता, और इस बार अपनी भक्ति के द्वारा हजारों को प्रेरित करके भक्ति प्रदान करके और हजारों के साथ मेरे धाम का अधिकारी होगा। तो हजारों को मेरा धाम दिलाने के लिए अगर एक भक्त को एक जन्म का चक्कर पड़ गया तो कोई माना नहीं कैसे होगा। अच्छा कर फिर भगवान बोले कि सत्संग भी मिलेगा, कथा भी मिलेगी, 36,000 वर्ष की मिलेगा गति भी मिलेगी, और बाद में सुर सुर मुन दुर्लभ आम जो विगत मोहम सो मेरी कृपा प्रसाद पाओगे ध्रुलोक ध्रुलोक भी पाओगे। वैचित वरदान सरल चरखी जो हर प्रस्थान करने आए हैं। मधोर वनम क्या बता, तुम इच्छा बताओ। और वो यहाँ से बरदान देकर अंतर्धान होते होंगे, लेकिन यहाँ से अंतर्धान नहीं हुए, गरुड़ जी पर बैठ के धीरे धीरे चले भी जा रहे हैं। अजय से तुरंत की प्यारी हुई भैया, जंगल जाते समय अपने बछड़े की ओर देख लेके तो करती है, ऐसे प्रभु भी ध्रुव की ओर ताकते जा रहे हैं। ध्रुव भी प्रस्तुति लगाकर जब तक प्रभु दिखाई पड़ते रहे, इधर उधर नहीं ताका, प्रभु को ताके, प्रभु के आंखों से ओझल हो गए। तो मन ही मन हरि के गुण गाते, कछु हर साथे कछु पछताते, आ
जिसके रीजन पर कोई किसी का योजना बाकी नहीं रह जाता है, एक के हिसाब ही सबसे परमात्मा प्रसन्न, जगदाधार प्रसन्न है, जगदीश प्रसन्न है, तो जगत को प्रसन्न होना ही होगा। सारी दुनिया का धन उमड़ रही है गुरु जी का चरण सुनने के लिए। पूर्वजन परिजन सूर्य ले चले हनुमान, ले आए गुरु को महल हो सुमंगल गान, मिला सभी से प्रेम से हित वह बालक भक्त सुजान। छोटी माँ ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है मुझे, समय उनका आश्रय है। छोटी माँ बोली थी, लेकिन मैंने कहा था कि तू आराधना कर भगवान की मेरी कोख से जन्म लेने के लिए, लेकिन अब लगता है कि मुझे आराधना करनी पड़ेगी परमात्मा की, इसलिए कि तेरे जैसा भक्त मेरी कोख में आ जाए, बहन सुनीति की तरह मेरी भी कोख धन्य हो जाए। और माताएं हम तरस रही हूँ मेरी को उजागर करने के लिए, मेरे रूप से भी गुरु आ जाता। जिनके मन में से लाल सा उत्पन्न हो रही हो आप भाग्यशाली नहीं है, लेकिन ध्यान रखना होगा आपको सुनीति बनना होगा, सुरुचि नहीं सुनीति बनना होगा, सुंदर नीति का पालन करो, गुरु की माँ जैसे भगवत भक्ता बनो, जरूर तुम्हारे घर गोद में गुरु आएंगे, प्रहलाद आएंगे। इसके बाद 36,000 वर्ष के लिए राज्य थी। इस बीच में एक घटना घटी, वही उत्तम नाम का भाई जो पहले गोदी में बैठा था करके शिकार खेलने गया, एक जंगली जानवर पर इसने भी बाण मारा, और उसी समय दूसरी तरफ से एक यक्ष ने भी उसी को बाण मारा, उसी जानवर को, दोनों का बाण एक साथ लगा, तो जानवर गिर पड़ा, शायद जंगली सुअर था कि क्या था। दोनों पहुंच गए, उत्तम कहे कि मेरे बाण से मरा मेरा शिकार है, मैं ले जाऊंगा। यक्ष बोला कि मेरे बाण से मरा हुआ मेरा शिकार है, मैं ले जाऊंगा। एक जानवर की लाश के लिए लड़ गया उत्तम, और यक्ष ने उसे मार डाला। देखिए नाम उत्तम और काम अधम शरीर, क्या यह मानव शरीर इसीलिए मिला है कि ये मरे हुए जानवर की लाश के लिए लड़ जाओ और प्राण त्याग दो? नहीं, जीवन का लाभ तो ध्रुव ने प्राप्त किया है। उधर ध्रुव की और उधर उत्तम की माँ सुरुचि को पता लगा कि मेरे बेटे को किसी ने मार डाला, यक्ष ने बेटे को खोजती हुई बिना किसी को बताए बिना किसी से पूछे रातों रात घर से निकल गई पागल जैसी होकर, और अचानक बेटे की लाश पंचायत पहुंच भी पाई कि नहीं पहुंच पाई, अचानक जंगल में लकड़ियों के पारस्परिक संघर्ष में लगने वाली आग जिसको दावाग्नि कहते हैं, दावाग्नि लगी और चारों तरफ से गिर गई, निकल के भाग नहीं सकी, दावाग्नि झुलस के मर गई। ये लकड़ी वाली आग थी,
गुरुदेव कहा करते थे वो आग जिस आग से भगवान भी नहीं बचा सकते। जो अपराध भगत कर ही राम रोष पावक सो गई भक्त अपराध उनकी अग्नि में जलिए पाप ध्रुव जी को पता चला कि मेरे भाई उत्तम को एक यक्ष ने मारा और मेरी छोटी मां खोजते हुए झुलस कर मर गई। तो ध्रुव ने यक्षों पर आक्रमण किया, युद्ध हुआ, उसमें यक्ष हारने लगे। फिर मनु जी ने आकर समझाया, बेटा ध्रुव ये क्या कर रहे हैं, यक्ष देवताओं की जाति है, देव जाति का अपमान करना ठीक नहीं है। तेरा भाई उत्तम तो अपने कर्मानुसार मारा गया, एक भाई के चलते तुम यक्षों को मार डालोगे, युद्ध बंद कर देने का। ध्रुव भी कह सकते थे कि अगर मेरा भाई अपने कर्मानुसार मारा गया तो ये यक्ष भी कर्मानुसार मारे जा रहे हैं, उनको समझाएंगे, लेकिन नहीं। ध्रुव ने कहा कि सर्वोच्च संविधायक मनु जी के वक्त पर तर्क करने का मुझे कोई बात अधिकार नहीं है। बाबा आप कहते हैं तो लीजिए, झट धनुष की डोरी उतारने और चरणों में गिर गया। धनुष की डोरी उतारते ही कुवेर यक्षों के राजा कुवेर भी आकर के उपस्थित हुए। शाबाश, धन्य हो बेटा ध्रुव, तू सच्चा भक्त है, क्षत्रिय जाति के लिए क्रोध है और प्रतिशोध की भावना का परित्याग करना बहुत कठिन है, लेकिन तुमने बाबा की बात मान करके और युद्ध को स्थगित कर दिया, क्रोध और प्रतिशोध की भावना का परित्याग कर दिया, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो और मांगो। ध्रुव जी ने कहा कि यदि वरदान देना चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि आगे के जीवन में अब एक क्षण के लिए भी भगवान को न भूलो। अरे बेटा तू तो भगवान का भक्त है, बराबर याद रखता ही है, इतनी देर के लिए फिसल गए आधारित ममता में पड़ गए थे, आगे के जीवन में इतनी देर की भूल भी भूल न हो, भगवत स्मृति का तार न टूटे, एवं मस्तुता करके कुबेर जी ने वरदान दिया। इसके बाद गुरु जी ने राजगद्दी पर रहकर प्रजा पालन करते हुए लोगों को भक्ति की शिक्षा देते हुए 36,000 वर्ष की अवधि पूरी की और इसके बाद गंगा के किनारे हिमालय की तराई में भजन करने चलेंगे। आज जहाँ स्वर्गाश्रम और गीता भवन है वही ध्रुव जी का अंतिम भजन स्थल, भजन कर रहे थे। गंगा जी की कलकल नादिनी धारा से जो आवाज हो रही थी उससे ध्रुव विक्षेप समझ करके उस कलकल दूसरी जगह जाने की सोचने लग गए। गंगा जी बोली, बेटा ध्रुव मेरे तट पर बैठ कर तू भजन कर रहा था तो मैं अपने को भाग्यशाली नहीं समझ रही थी, अब क्यों मुझे छोड़कर जा रहे हो, आजमान तुम्हारी कलकल नादिनी धारा से इस आवाज से मेरे भजन में विक्षेप होता है। गंगा जी ने प्रतिक्रिया की, इसके पहले कितनी भी आवाज हो मेरी धारा में, इसके आगे कितनी भी आवाज हो मेरी धारा में, लेकिन कितनी दूर तक प्रशांत रहोगे, आज तक वहां पर धारा बहुत जरूरी है, वहां आवाज नहीं होती है गंगा की धारा की। भगवान के पार्षद विमान लेकर आए, ध्रुव अब तक तुम प्रेमी थे, भगवान प्रेमास्पद थे, लेकिन अब तुम प्रेमास्पद हो गए और भगवान तुम्हारे प्रेमी होकर तुमको बुला रहे हैं कि मेरे ध्रुव को मेरे पास ले आओ, मुझे ध्रुव के बिना नहीं रहा जाता है। श्री दादू दयाल जी नाम के संत हुए कहते हैं इसको प्रेम की दृढ़ता कहते हैं, इसको प्रेम की परिपक्वता कहते हैं। आशिक मासूम को हो गया, आशिक मासूम को हो गया तो इश्क कहावे सो, दादू उस मासूम का खुद अल्लाह ही आशिक हो। भगवान प्रेमी बन गए, ध्रुव प्रेमास्पद बन गए। गुरु जी ने गंगा में स्नान किया, क्यों वहां जाकर गंगा कहां मिलेगी, भारतवासी धन्य है जिन्हें गंगा सुलभ है, बहुत वो गौरव के साथ जाते हैं, हम उसी
उसी देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। ये केवल मुंह से कहने की चीज नहीं है, ये हृदय और अंतरात्मा से अनुभव करने की चीज है। हम बड़े धनी हैं भाई, ऐसी ऐसी वस्तु हमारे यहाँ है, वेद हमारे यहाँ है, वेदांत है, उपनिषद है, शास्त्र है, गंगा है, गीता है, भागवत है, भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, क्या नहीं है। आज कुछ अभाव मालूम भी हो रहा है तो वास्तविक अभाव नहीं है। भारत अभी भी इतना संपन्न है, अगर ये घोटाला हवाला वालों से अगर बचाने का कोई, तो भारत में अभी भी कमी नहीं है किसी बात की। बहुत संपन्न है भारत। श्री हरे लोग गंगा जी ने स्नान किया, तिलक छाप माला मथुरा धारण की, वहां के ऋषियों से अनुमति मांगी, आप लोगों का साथ छोड़कर जाने की इच्छा नहीं हो रही है। कबीर जी का दोहा है, आवा बुलावा राम तो कबीरा दीना रो, क्योंकि जो सुख है सत्संग में तो वे कुछ न हो। ऋषियों की आंखें छलक पड़ी, भैया करो भाग्य साधु हमें युगांतर मिल गए, आज तक विवाद नहीं आया, लेकिन कहावत है जाको पिया माने वही सुहागे। आपके लिए विमान आया आप धन्य हो, आपको विमान आया देखकर हमें भी तसल्ली हो रही है कि जैसे ध्रुव के लिए विमान आया, ऐसे ईमानदारी से और प्रेम पूर्वक हम और लगेंगे भगवान के भजन में लगे रहेंगे तो किसी न किसी दिन हमारे लिए विमान आएगा। हर से लगे रहो रे भाई, एक दिन बनत बनत बन जाएगी। पधारो, ध्रुव जी विमान पर चढ़ने को हुए, तब तक एक बहुत विशाल पुरुष आकर उपस्थित हुए। ध्रुव जी ने पूछा, ये अब तुम कौन हो, कैसे आए इस समय। उनने कहा कि मेरा नाम है काल, मृत्यु देवता काल। कैसे आए, कल मैं भी भगवान का ही बनाया हुआ हूँ, मेरी मर्यादा बांधी है प्रभु ने, जिसे दुनिया से जाना होगा उसका काल स्पर्श करेगा और स्पर्श करते ही शरीर छूटेगा और अपने अपने कर्मानुसार, पापी हो तो नरक की दिशा में, पुण्यात्मा हो तो स्वर्ग की दिशा में, ज्ञानी हो तो मोक्ष की दिशा में और भक्त हो तो भगवान की गोद, भगवान के राम किए जाएगा। गुरु जी बोले, तब तो मेरा भी स्पर्श ही करने आए होंगे ना। हाँ आया तो इसलिए, कहा कि जब भगवान का बनाया हुआ नियम है तो भगवान का भक्त होकर मैं क्यों उस नियम को तोड़ू, कर लीजिए मेरा स्पर्श, मुझे कोई इतराज नहीं। तो काल बोला, आया तो था स्पर्श ही करने के लिए, लेकिन आप जैसे प्रतापी भजनानंदी भक्त का स्पर्श करने की मुझे हिम्मत नहीं पड़ रही है, ये भजन का प्रताप है। काल भी डरता है भजनानंदी भक्त से। तो गुरु जी बोले कि जो स्पर्श करने की हिम्मत नहीं तो लौटिए, ताकि बिना स्पर्श किए लौटने की भी हिम्मत नहीं। यही प्रभु ने कैफियत मान दी, मेरी बनाई मर्यादा का पालन क्यों नहीं हुआ, तो क्या उत्तर दूंगा। गुरु जी ने कहा, अजीब बात है, स्पर्श करने की भी हिम्मत नहीं और स्पर्श करना लौटने की भी हिम्मत नहीं, तो मध्यम मार्ग क्या होगा आप ही बताओ। तो काल बोला कि मुझे हिम्मत नहीं आपका स्पर्श करने के लिए, लेकिन प्रभु की मर्यादा रखने के लिए आप मेरा स्पर्श कर दीजिए। पूछा कैसे, तो काल ने अपना मस्तक झुकाया, ये रहा मेरा मस्तक, विमान ऊंचा है, चढ़ने में आपको परिश्रम न हो, इसलिए मेरा मस्तक सीढ़ी का काम करेगा। एक पांव मेरे मस्तक पर रखो गुरु जी और दूसरा पांव विमान पर रखो, चढ़ने में सुविधा हो जाएगी और आप जैसे भक्तराज के चरण का स्पर्श अपने मस्तक पर पाकर मैं काल भी धन्य हो जाऊंगा। ये है भक्ति की महिमा। बंधु श्री सुखदेव जी के शब्द है, मृत्योर मूर्ति पदम दत्वा आर्वहा भूतम गृहम। काल के मस्तक पर पांव धरकर बिना शरीर छोड़े, जैसे इस कलयुग में बिना शरीर छोड़े कबीरदास, इस कलयुग में बिना शरीर छोड़े मीराबाई, इस कलयुग में बिना शरीर छोड़े श्री तुकाराम जी,
कलयुग में बिना सोई सोए श्री चैतन्य महाप्रभु जी पढ़िए इतिहास अपने पूर्वजों का, दीजिए फुर्सत या किसी उपन्यासों से और चलचित्रों से, तब पता चलेगा हमारे कैसे कैसे पूर्वज आदर्श हुए। इन महानुभाव ने शरीर नहीं छोड़ा, भर्तृहरि जी ने शरीर नहीं छोड़ा है, श्री परिहारी जी ने शरीर नहीं छोड़ा है, बिना शरीर छोड़े काल के मस्तक पर पांव भर करके विमान पर बैठे, विमान चलने को हुआ तब तक गुरु जी को अपनी माँ की याद आई, जिस मेरी माँ समिति ने मुझे इस लायक बनाया, क्या उस माँ को छोड़कर चल दू, कृतज्ञ हो जाऊंगा। भगवान के पार्षद समझ गए मनोरथ भाव और बोले कि गुरु जी माँ की चिंता मत करो, आप जैसा एक भी कुल खानदान भर में पैदा हो जाए तो 21 पीढ़ी का आरक्षण होता है, भगवत राम आपकी माँ यहाँ कैसे रह जाएगी, क्योंकि आप यहाँ हिमालय की तराई में गंगा किनारे भजन कर रहे थे इसलिए आपके लिए विमान यहाँ आया है, और माता जी राजधानी में महल में भजन कर रही थी इसलिए माता समिति के लिए महल में राजधानी में विमान गया था। देखिए सामने कुछ दिखाई पड़ रहा है, बोले हाँ एक विमान दिखाई पड़ रहा है, देखिए तो उसमें कोई है, बोले हाँ कोई है तो, और आने सका देखिए तो कौन है, अरे तो मेरी माँ है। खुश हो गए दोनों विमान एक साथ जुड़े, और उसके बाद भगवत पार्षदों ने कहा अब विमान चलाएं, बोले अब चला सकते हैं, दर्शया मास्तु देवी पुरो याने नगे छुपी, अब दोनों माँ और बेटे का विमान एक साथ जा रहा है। आप अंतिम कड़ी को गाइए और ये भाव हृदय में बसाइए कि हमें भी यह सौभाग्य मिले, जोड़ पुत्र का हरि से नाता, धन्य हो गई ध्रुव की माता, या माता पद को चरितार्थ, सिद्ध भय स्वार्थ और परमार्थ, सिद्ध भय स्वार्थ और परमार्थ, जीव का यही परम पुरुषार्थ, जीव का यही परम पुरुषार्थ। ये है पुरुषार्थ, ये है उपलब्धि, ये है कमाई, ये नहीं कि दो महीना के लिए कुर्सी मिली और दो महीना के बाद कान पकड़ के निकाल दिए गए और भूतपूर्व कहलाने लगे, नहीं नहीं उपलब्धि इसको कहते हैं। ये निके जगत से ममता को हटाए, नारायण मन मधुप को प्रभु पद कमल दिखाए, भोग लोक सुख मात सहित ध्रुव चढ़ कर चले विमान, पिताजी की विजय बोल सकते हैं क्योंकि उनकी भी बुद्धि अब पिता ने आ गई है, ध्रुव के पिता श्री तानपाल जी महाराज, ध्रुव के बाबा श्री स्वयंभू मनु जी महाराज, ध्रुव की दादी श्री शत्रुपा मैया, ध्रुव के चाचा श्री प्रियव्रत जी महाराज, सब एक से एक आले उत्तम चरित्र वाले हैं, जिस प्रसंग को कहने के लिए छोड़ दो घंटे लगते उस पूरे प्रसंग को गोस्वामी जी ने एक पंक्ति में कह दिया, ध्रुव सर्वाधि कतेउ है मां, और पायल अचल पर
महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री भक्तवत् भगवान की जय। बड़े जंक्शन पर गाड़ी पहुंचती है तो ज्यादा देर तक ठहर जाती है। लोग भी कहते हैं कि बहुत बड़ा जंक्शन था, इसलिए दो घंटा ठहर में गाड़ी। अब इसके बाद सुपर फास्ट स्पीड में गाड़ी चलेगी। बहुत तेज स्पीड में गाड़ी चलती है तो देखा जाता है कि गाड़ी से बाहर अपने शरीर का कोई भी अंग मत निकालना, इधर उधर मत अपना ढांकना, नहीं तो कहीं नुकसान न हो जाए। अब आगे वर्णन करते हैं कि ध्रुव जी के जाने के बाद उनके पुत्र उत्कल को राजगद्दी दी जाने लग गई तो उत्कल ने इनकार कर दिया, मेरे पिताजी ने भगवान के भजन और भक्ति को जीवन में प्रश्रय दिया और मैं राजगद्दी नहीं लूंगा। जो गुरु जी ने राजगद्दी नहीं ली है, उत्कल ने राजगद्दी नहीं स्वीकार की तो उत्कल के छोटे भाई बत्सर को राजगद्दी दी गई। बत्सर ने भी प्रजा का पालन किया और वत्सर की पत्नी का नाम वास्तवी थी, श्री हरेनो। वत्सर की पत्नी स्वर्गी के अगर उसे पुष्पा कई पुत्र उत्पन्न हुए, इसी में कई पीढ़ी के बाद अंग नाम के राजा हुए। उन्हें संतान नहीं थी, यज्ञ कराया उन्होंने तो एक पुत्र की प्राप्ति तो हुई, लेकिन पुत्र पिता के संस्कार पर नहीं गया, माँ के संस्कार पर चला गया। माता अधार्मिक विचार की थी, दूषित विचार की थी, सुनीता उसका नाम था। उसके गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ, नास्तिक निकला, देवी। किसी के बच्चे को गोदी में लेकर कुआं में डाल देता, कोई चौकता करता तो उसके घर में आग लगा देता। शिकायत आई, राजा अंग ने डाटा तो उस देन की माँ अंग की पत्नी रानी लड़ बैठी पति ने पत्नी से, नहीं नहीं इसको कोई रोक टोक नहीं सकता, ऐरे गहरे का बेटा नहीं है, राजकुमार है, जो चाहेगा करेगा, जो चाहेगा करेगा। अंग राजा ने माता खोता है, कौन पाप किया था पूर्व जन्म में कि ऐसी दुष्ट औरत और ऐसा नालायक पुत्र मिला, लेकिन इसी के चलते इनको घर और संसार से वैराग्य हुआ। तजोरे मन हर विमुखन को संग, जिनके संग कुबुद्ध पुत्र कहे पर भजन में भूल। अंग राजा रातों रात जंगल में चले गए, भजन करके भगवत प्राप्ति हुई, भगवत साक्षात्कार, भगवत प्राप्ति। तब अंग राजा ने कहा कि मैं तो समझता था ये बड़े भाग्यहीन है जिनको दुष्ट पत्नी और नालायक पुत्र मिलता है, लेकिन आज मेरी समझ में आ गया कि ये बड़े भाग्यशाली जिनकी औरत दुष्ट हो और जिनका पुत्र नालायक हो। क्यों? अगर ये दुष्ट नहीं होते, नालायक नहीं होते तो आज मुझे घर परिवार से वैराग्य कहाँ होता, भगवान का भजन करके भगवत प्राप्ति कैसे होती, हम तो इन्हीं को चूमने चाटने में लगे रहने होते। गदपत्यम मर्मन में सदपत्याम पदार्थ निर्विद्युत ध्यान करते सुरेश विभाग रहा। अंग राजा के चल जाने के बाद चोर और डाकू बढ़ने लग गए, अराजकता फैलने लगी बिना राजा के। अब क्या करना चाहिए? ऋषियों ने कहा कि बेन को ही राजगद्दी पर बिठाओ। एक ने कहा कि बिना राजगद्दी पर बैठे तो इतना लोगों को सताता था ये नास्तिक, और राजगद्दी पर बैठने के बाद और न जाने क्या जो खत्म आएगा। कुछ लोगों ने कहा कि कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जब तक माता पिता पर निर्भर है बच्चे तब तक उपद्रव करते हैं, और अपने ऊपर जिम्मेवारी आ जाती है तो कई बच्चे सुधरते हुए भी दिखाई पड़ते हैं। जिम्मेवारी सौंप कर दे तो शायद सुधर जाए, काय को सुधरेगा, और उद्दंड हो गया, ढिंडोरा पिटवा दिया, मेरे राज्य भर में न यश्तव्यम मदा तब्यम न हो तब्यम दिया करते, तुम निवार धर्म भेद घोषे सर्वता, मेरे राज्य भर में कोई यज्ञ नहीं कर सकता है, घर में व्यक्तिगत हवन भी नहीं कर सकता है, दान नहीं कर सकता है, कथा नहीं, कीर्तन नहीं, क्यों ये सब करते हो, किसके लिए? भगवान
मेरे अलावे और दूसरा कौन भगवान है, कुछ करना हो तो मेरे नाम पर करो। ऐसा नास्तिक निकला। ऋषियों ने आकर समझाया, राजा को धार्मिक होना चाहिए। कहा खबरदार, बहुत समझदार बनते हो तुम लोग, तुम लोगों ने धर्मशास्त्र नहीं पढ़ा है। धर्मशास्त्र में लिखा है कि राजा के अंग अंग में देवताओं का निवास होता है। मैं राजा हूं, मेरे अंग अंग में देवता आश्रित, मैं भगवान हूं, और कौन भगवान की चर्चा करते थे। तुम लोगों की बुद्धि उस उल्टा स्त्री की तरह है जो अपने पति को छोड़कर जाए तो उसकी बचती है, मुझको बने। ऋषियों ने कहा कि हम राजगति पर दिखाना भी जानते हैं, और यदि धर्म से विरोध करोगे, परमात्मा से विरोध करोगे, तो हमारा एक ओंकार तुझे रथातल में भेज देगा। नहीं माना वो अभागा, ऋषियों ने एक ओंकार की, और ओंकार मत से एक ओंकार से ही उसका प्रारंभ हो गया। जगनुर्ंकृतर्वेनम अतमच्युत गया, भगवान का विरोध करने के कारण मरा हुआ जैसा तो पहले से था। एक ओंकार में देन का प्रारंभ हो गया। उसकी मां ने उसके शव को तेल में डुबा कर रखा, पता नहीं क्या करते, संस्कार नहीं करने दिया। इसमें विद्रोह की इच्छा, देन के मरते ही फिर अराजकता फैलने लगी। ऋषियों ने प्रभु से प्रेरणा मांगी, प्रभु प्रजा कष्ट में है, कोई सुयोग्य राजा चाहिए। तो प्रभु ने प्रेरणा दी वैदिक मंत्रों से, वैदिक प्रक्रिया के द्वारा बैल के निष्प्राण शरीर का मंथन किया जाए, एक सुयोग्य उत्तराधिकारी मिलेगा। पहले कमर से नीचे अधोभाग का मंथन किया गया तो एक काला कलुजा चुनना अयोग्य असभ्य पुरुष निकला। पूछा क्या कर बोले ऋषि, बैठ तू किस लायक है। मैंने बैठा तो जंगल में चला गया। श्री मैत्री कहते हैं दस वंशास्त्र नैषाद नहीं पानों में चला रहा, उसी के वंशज लोग नैषाद और भी क्या जंगल में निवास करते हैं। इसके बाद पुनः ऋषि ने भगवान से क्या पुनः की थी ना, एक निकला था लेकिन बहुत अयोग्य। तो प्रभु ने फिर प्रेरणा दी, हर व्यक्ति के शरीर में माता और पिता दोनों का अंश होता है। माता का धार्मिक अंश अधोभाग के मंथन से निकल गया इस रूप में, अब पिता का धार्मिक अंश शेष है। तो ऊर्ध्वभाग का मंथन किया जाए वैदिक मंत्रों से, तो सूर्य उत्तराधिकारी का प्रादुर्भाव होगा। भुजाओं का मंथन किया गया तो दाहिनी भुजा से एक पुरुष, बाएं भुजा से एक नारी का प्रादुर्भाव हुआ। ये 24 अवतार में से एक है। इस अवतार में प्रभु का नाम हुआ है श्री पृथ्वी जी महाराज। बोलिए श्री पृथ्वी जी महाराज, श्री अर्ची महाराज। पुरुष के रूप में भगवान पृथ्वी, नारी के रूप में महारानी लक्ष्मी, अर्ची महारानी के रूप में। इनके लक्षण को देखकर ऋषियों ने शोक मारा, बात कार कवि जनों ने इनकी स्तुति की तो मना कर दिया, स्तुति मत करिए, अभी हमने आपकी कोई सेवा नहीं की है, क्यों स्तुति कर रहे हैं आपको। किसी अनजान अपरिचित बड़ाई करने का दो ही मतलब हो सकता है, या तो उसको खुशबू बनाना हो या अपना कोई मतलब रखना हो। ये हम समझ रहे हैं कि मुझे खुशबू बनाने की नीयत से आपको ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका मतलब जरूर कोई स्वार्थ, कोई समस्या, कोई धन जरूर है। आप अपनी समस्या बताइए, मुझे सेवा का अवसर दीजिए, मैं सेवा करने आया हूँ, स्तुति सुनने नहीं आया। तब सरकार देन के नैतिकता के कारण उसने प्रजा को धर्म निरपेक्ष बनाना चाहा था, धर्म से विमुख करना चाहा था। लोगों ने जब विधान हमन तब पूजा पाठ करना छोड़ दिया है, इसलिए देवताओं ने वर्षा करना बंद कर दिया। सूखा पड़ गया है, अन्न नहीं पैदा होता है, पानी नहीं मिल रहा है, लोग भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, तो प्रजा का कष्ट दूर हो, ऐसी व्यवस्था करेंगे भूखमरी दूर हो, तब पृथ्वी देवी को आज्ञा करें। तुम धरती कहलाती हो, धरती धरणी धरा की प्रजा को गोद में धारण करने के कारण प्रजा का हक खा करके पचा गई हो, अन्याय है। रत्न गर्भे पसुंधरे
या तो अन्न रत्न पैदा करो नहीं तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। पृथ्वी ने सुनी संतनी कर दी तब प्रसुद्ध ने धनुष पर बाण चढ़ाया और बोले वसुदेव काम मनुष्या में मैं शासन करी वसुदे मेरे शासन से दूर रहने वाली तेरा पट कर डालूंगा तुम्हें क्यों छोड़ कर डालूंगा। गौ रूपिणी होकर के पृथ्वी देवी भागन पीछे पीछे पृथ्वी ने धनुष पर बाण संधान किए पीछा करते गए। जब पृथ्वी को लगा कि ये मामूली राजा नहीं है तो अवतार है भगवान है कि मैं पीछा नहीं छोड़ेंगे इसे बच के नहीं जा सकती हूँ तो शरणागत हो गई तो मैं चरण में हूँ मारो मत और मुझे मार के चूर कर दोगे तो प्रजा को भारण कहाँ करोगे क्या तुमको पैदा किसने किया है चरण से तो प्रगत हुई है तुझे चूर करके और अपनी भगवत्ता के संकल्प से आज्ञाकारी पृथ्वी प्रकट करूंगा ऊपर प्रजा को धारण करूंगा। पृथ्वी ने कबूल किया आप समर्थ हैं कर सकते हैं लेकिन मेरे अपराध को क्षमा करें मैं अपने भूल सुधार लूंगी। बोले तो अन्न वगैरह पैदा करो ताकि तुम लोग एक तरफा फैसला मत कीजिए ठीक है बच्चे छोटे दुर्मुड़े हैं तुम अपनी छाती का दुख को इनका पोषण कर लिए लेकिन माँ बुढ़िया हो गई बच्चे सियाने हो गए तो क्या बुढ़िया माँ को खाना खुराक देना बच्चों का कर्तव्य नहीं होता है। मेरी तो भूल आपने देखी अपने बच्चों की भूल नहीं तो पूछ रहे हैं इन्होंने जन्म करना बंद कर दिया है तो देवताओं ने वर्षा करना बंद कर दिया अब बिना वर्षा के भूखी प्यासी पृथ्वी पर जो कुछ अन्न बीज जल सिंचाई सिंचन डाला जाता है भूखी प्यासी में क्या करूं मैं खाकर पचा जाती हूँ और जो जो खा के पचा लेती है तो उसके पेट को चीर कर निकालने से किसी काम को लायक नहीं रहेगा। हाँ गौ कुछ खा लेती है उसके बाद उसका रस उसके थन में दूध के रूप में उतर आता है। मैं गौ रूप में खड़ी होती हूँ आप दोहन करो सबको खुराक दो। पृथ्वी ने कहा कि सभी लोग दूध पीने वाले मित्रों होते हैं अन्न वाले विष वाले अमृत वाले घास वाले सब तरह के लोगों को सब तरह की खुराक चाहिए। पृथ्वी देवी बोली कि पाक भेद से सबको सब तरह की खुराक मिलेगी एक ही नक्षत्र स्वाति के बादल एक ही तरह का पानी बरसाते हैं लेकिन जैसी संगत बैठ लिए तैसो ही बलवीन कदमी सीप भुजन में स्वाति सीप गयो मोती भयो कदमी भयो कपूर अभिमुख गयो कदमी भयो संगत को फलसूच एक ही पृथ्वी में एक फुट एक गज के अंतर पर एक जगह वही गन्ना रोपा गया तो उसको मीठा रस मिलता है पृथ्वी से और वही नींबू रोपा गया तो उसको उसी पृथ्वी से खट्टा रस मिलता है। एक ही दही आप मिट्टी के बर्तन में रखे पत्थर के बर्तन में रखे चांदी के बर्तन में रखे अमृत होकर के मिलेगा और उसी को आप तांबे और पीतल के बर्तन में रख करके देख लीजिए जहरीला हो जाता है तो पात्र है तो सबको सुरक्षा करेगी। सभी समाज के लोग अपने अपने प्रमुख को प्रधान को मुखिया के बछड़े के रूप में प्रकल्प करके अपने अपने पात्र में दूध दुआने आप ग्रहण करें सबको सब तरह से खुराक मिलेगी। सभी लोगों ने अपने अपने समाज के प्रमुख प्रधान को मुखिया बछड़ा बनाकर कृपा करके अपने अपने पात्र में दूध का ग्रहण कराए सबको सब तरह की खुराक मिलने लगेगी। मनुष्यों को अन्न मिलने लगा पशुओं को घास और सर्पों को विष देवताओं को अमृत अनेक तरह की खुराक मिलने लग गई। पृथ्वी जी ने सोचा कि हाँ शरीर की खुराक तो मिलने लग गई लेकिन शरीर की खुराक कितनी भी हो आत्मा की खुराक धर्माचरण सत्संग भजन ये अगर नहीं हो तो केवल शरीर की खुराक आत्म शांति नहीं दे सकती है। दिन पान भोजन बिना जैसे उदर मचाओ क्रांति ऐसे ही बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। प्रजा को भौतिक खुराक मिलने लग गई शरीर आध्यात्मिक खुराक मिलने लग गई सारी प्रजा को गांव गांव में जाके बटोर करके इकट्ठा करके प्रवचन करके धर्म का पालन करो धर्म निरपेक्ष बनने में धर्म विरोधी बनने में लाभ नहीं है हानि है व्यक्तिगत लाभ भी नहीं है सामाजिक और
राष्ट्रीय और विश्वस्तरीय लाभ भी नहीं हो पाएगा। धर्म का पालन करो, धन आप धर्मम तथा सुखम, धर्म से मोह मत मोड़ो। बंधुवर मत भूल कर भी धर्म से मोह मोड़ना, धर्म सबका प्राण है मत स्वप्न में भी छोड़ना। आग का धर्म है जलाना, आग जलाने का धर्म छोड़ दे तो आग रहेगी कि राख मुर्दा हो जाएगी। बर्फ का धर्म शीतलता है, शीतलता त्याग दे तो बर्फ कैसा। सूर्य का धर्म प्रकाश देना है, सूर्य प्रकाश देना छोड़ दे तो सूर्य कैसा। श्री पृथ्वी जी ने प्रजा को धर्म का उपदेश किया। अब लोग धर्म आचरण करने लग गए, लेकिन पृथ्वी जी ने सोचा कि केवल बातों से शिक्षा करना तो उतना प्रभाव नहीं करेगा, इसलिए हमको स्वयं धर्म का आचरण करके दिखाना पड़ेगा। आचरणशील प्रवक्ता का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, इसलिए 100 अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। श्री पृथ्वी जी ने 99 यज्ञ हो चुके और एक जगह नहीं विभिन्न क्षेत्रों में, ताकि हर क्षेत्र के लोगों को इस यज्ञ के दर्शन से धर्म की आचरण की प्रेरणा मिले। 99 यज्ञ हो चुके थे, 100वां अश्वमेध यज्ञ के समय में इंद्र ने अपना इंद्रासन बचाने के लिए क्रतु होकर 100 अश्वमेध यज्ञ करके मेरा इंद्रासन छीन ले। इंद्र ने इनका घोड़ा चुरा दिया यज्ञ वाला, तो इन्होंने अपने पुत्र को भेजा कि पुत्र घोड़ा जीत करके लाए, उनका नाम पड़ा विकास। दोबारा फिर घोड़ा छोड़ा गया, तब जाकर के इंद्र ने फिर घोड़ा चुराया। वामपंथी साधु का रूप धर करके अत्रि जी ने कहा कि विकास को साधु समझ करके मत छोड़, ये तेरे यज्ञ में फिर निकलने वाला इंद्र है। जब विकास को मारने से इंद्र अंतर्धान हो गए, तब पृथ्वी जी ने कहा ऐसे इंद्र को रख के क्या होगा जो औरों के धर्म पालन में विघ्न करता हो। ऐसे मंत्र और आहुति का प्रयोग करने की आहुति के साथ इंद्र भी आकर यज्ञ कुंड में गिर करके खत्म हो जाए। ऋषि ने मंत्र का प्रयोग करना कहा, इंद्र का सिंहासन धर्मगाया, त्राह त्राह चिल्लाने लग गए। तब ब्रह्मा जी ने आकर पृथ्वी जी को समझाया, आपको इंद्रासन का लालच क्यों नहीं, हम इंद्रासन से क्या लेना देना, ऐसे ऐसे कितने इंद्रासन मेरे कल्पे प्रकट हो। बोले तो ये सौवां अश्वमेध यज्ञ करने का आग्रह क्यों, ताकि प्रजा को कर्तव्य कर्म की शिक्षा देने के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा 99 यज्ञ से बहुत शिक्षा दे चुकी है, इस यज्ञ को नहीं बंद कर दीजिए। तो पृथ्वी जी ने तर्क नहीं किया, कहते कि इंद्र को क्यों नहीं समझाते, उन्हीं को समझाने आए, लेकिन नहीं। पृथ्वी जी ने कहा कि आप लोग पितामह कहलाते हैं, लोग गुरु कहलाते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु के जगह पर आपका प्रथम नाम आता है। आप जब आज्ञा करते हैं तो इनकी यज्ञ स्थल कर लिया, वही यज्ञ विश्राम होते ही यज्ञ स्थल भगवान नारायण प्रकट हो गए। और बोले कि इंद्र ने अपराध किया है, आपसे क्षमा याचना करना चाहता है, लेकिन आपके सामने आने की हिम्मत नहीं है, अपने कुकर्म से उसको क्षमा कर दो। बोले कि जो आपने क्षमा कर दिया तो आप मेरे मिलने से अंतर है, आप ही का प्रभाव था, मैं आप ही का प्रभाव। इसके बाद इंद्र ने क्षमा मांगी और इंद्र से उनकी मैत्री हुई। इंद्र ने अंतर्धान होने की प्रक्रिया इनके पुत्र विकास को सिखाई, तब से विकास का भी एक इंद्र नाम पड़ गया अंतर्धान। अंतर्धान बृहस्पति नाम की पत्नी के गर्भ से अविधान नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। इधर श्री पृथ्वी जी महाराज ने श्री शंकरादि जी से कथा सुनी और भगवान से कथा का वरदान मांग रखा था, 10,000 कान हो जा जिससे कि खूब कथा सुनो। भगवान ने कहा दो ही कान, 10,000 कान से अधिक क्षमता हो जिनके समाना तथा तुम्हारे सुनाना। श्री सरकारी जी ने आकर के इनको कथा सुनाई, खूब कथा सुनी और इसके बाद पृथ्वी जी ने धाम की प्राप्ति की। इसके बाद इनके पुत्र विदास जिनको अंतर्धान भी कहते हैं, अंतर्धान
श्री हरे नमः। अंतर्धान के पुत्र हुए हरिधान, हरिधान की हरिधानी नाम की पत्नी के गर्भ से बरिषद गए शुक्र कृष्ण तब्रत इत्यादि छह पुत्र उत्पन्न हुए श्री हरे नमः। इनमें से जो बरिषद है आगे चलकर के प्राचीन बरही के नाम से प्रख्यात हुए। प्राचीन बरही राजा बड़े भारी श्री हरे नमः। प्राचीन बरही राजा बड़े भारी श्रद्धालु थे, यज्ञ कराया करते थे। यज्ञ कराने का उनको बड़ा शौक था। इतना यज्ञ कराए कि जहां नान रोटी कराते वहां वहां कुशा बिछाते, सारी पृथ्वी कुशा से पक गई। अब कहां यज्ञ कराने के जलन निकलते, लेकिन इतना यज्ञ करने पर भी इनके यज्ञ में एक कसर थी। यज्ञ के नाम पर देवी देवताओं के नाम पर पशुओं की हत्या करते थे, बलिदान जिसको कहते थे। ये क्रिया कैसी थी, जैसे एक तरफ से साबुन भी लगाते जाते हैं और दूसरी तरफ से कालिक भी पोंछते जाते हैं। ये बात भगवान को अच्छी नहीं लगी। भगवान ने नारद जी को भेजा, जाकर के उसको समझाओ की बड़ी प्रजा है, लेकिन वो यज्ञ के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर जो हत्या करता है पशुओं की, इससे उसके पुण्य की चादर में पाप का दाग भी लगता जाता है, उसको समझाओ। तब नारद जी ने आकर को और प्राचीन गरीब राजा को समझाया। एक बार तो नारद जी का खूब सत्कार पूजन किया प्राचीन गरीब राजा ने, और नारद जी ने पूछा कि राजन ये पशु किस लिए बांधे हो, इतनी संख्या में पशुओं को क्यों बांध रखा है। यज्ञ के लिए। यज्ञ से पशु से क्या मतलब, यज्ञ से पशु का क्या संबंध, ताकि उनका बलिदान होगा। तो हे राम राम, निर्दोष प्राणियों की हत्या किस लिए, ऐसा यज्ञ क्यों कराना चाहते हो, उससे क्या पाना चाहते हो। बोले स्वर्ग अच्छी, निर्दोष प्राणियों की हत्या करने से एक स्वर्ग मिलता है, तुम्हारा गलत खाता बन रहा है, पुण्य में पाप का खाता तुम्हारा तैयार हो रहा है। और अब तक जो तुमने इनका हत्या करी है उसके बदले में क्या तुमको तुम्हारा भविष्य तैयार हो रहा है, देखना हो तो आप मन करोगे तुम्हारा भविष्य दिखाऊ। प्राचीन बड़ी राजा ने आज हम इनको नरक का भयंकर दृष्ट दिखाई पड़ा। रूरू नाम के भयंकर प्राणी बड़ी क्रूर दृष्टि से ताक रहे थे कि आओ तो हम तुमसे बदला लें, तुमने हमारी हत्या कर दी। करेगा का प्रया प्राचीन बड़ी राजा का चरणों में नरक की गिर करके गुजरे बचाने और बोले कि हमारे पुरोहितों ने हमको क्यों ऐसा सिखाया था, ताकि ये रावण के खानदान के रहे होंगे। हत्या तुमसे कराते थे और पेट अपना पालते थे। महाराज बड़ी रूढ़ी, क्या मेरा ये दाग छूट सकता है, ताकि कपड़े में गंदगी लगती है तो साबुन पानी से गंदगी दूर होती है, कोयले में कालापन है वो साबुन और पानी से नहीं, आग में डाल दो तो कोयला का कालापन जो लाल हो जाता है, बिल्कुल उसमें से न निकालो तो उज्जवल धवल भस्म हो जाता है। तो कपड़े की गंदगी तो साबुन पानी से दूर होगी, कोयले का कालापन आग से दूर होगा, लेकिन अपने सूक्ष्म शरीर में जो दाग लगा हुआ है पापों का, वो आग से नहीं, पानी से नहीं, साबुन से नहीं, वो तो भगवान के चरणारविंद की शरणागति की भक्ति में अपने को डालो। भगवत चरणारविंद की शरणागति से ये कलुष दूर होगा। इसी पर श्री नारद जी ने बड़ा सुंदर पुरंदरों का ध्यान सुनाया है, सुनो राजा ने कथा सुनाता हूँ। पुरंदर नाम का एक व्यक्ति अपने अज्ञात नाम के सखा के साथ बड़े स्वच्छंद व्यक्ति से सुखी जीवन विचरता करा जा रहा था। एक जगह नौ द्वार की एक नगरी में थी। उस नौ द्वार की नगरी में एक सुंदरी युवती घूम रही थी, उसके साथ था। श्री नारद जी प्राचीन बरही राजा को पुरंदरों का ध्यान सुना रहे थे। पुरंदर नाम का व्यक्ति नौ द्वार की नगरी में जो एक युवती दिखाई पड़ी, जिसके आगे पांच फड़ वाला सर, दस पहलवान, ग्यारहवा महायोद्धा, सैकड़ों सहेलियां ढूंढ रहे थे, उनको देख करके ये पुरंदर आसक्त हो गया। अब जाकर कहेगा सुंदरी कौन हो तुम,
कि ये कौन है तुम्हारे साथ घूमने फिरने वाले, क्या पति की खोज में हो? यदि हाँ तो मैं तुम्हें पत्नी रूप में वर्णन करने को तैयार हूँ। उसने भी कहा कि हे सुंदर वीर पुरुष, मुझे पता नहीं है कि मुझे पैदा करने वाला कौन है। इतना जरूर जानती हूँ जब से पैदा हुई हूँ तब से नौ द्वार की नगरी पर मेरा पूर्ण अधिकार है। ये मेरे सेवक है, ये मेरी सहेलियां हैं। यदि तुम मुझसे संबंध जोड़ना चाहते हो तो मैं भी तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करती हूँ। दोनों ने अविज्ञात नाम के सखा की परवाह नहीं करके पारस्परिक रीति से संबंध जोड़ लिया और पति पत्नी के भाव से रहने लगे। ये पुरंजन इतना आसक्त हुआ उस पुरंजनी के प्रति कि रोटी तो रोता, हंसती तो हंसता, खाती तो खाता, पीती तो पीता, बैठती तो बैठता, सोती तो सोता, एकदम उसका गुलाम हो गया। एक दिन बिना उसके पूछे शिकार खेलने चला गया। जंगल में जाकर कई जंगलों में कई तरह के अनाप शनाप शिकार खेले, इतने जानवरों को मारा, इतनों को धो करके ला नहीं सकता था। लाता भी तो वे पल पल सड़ते रहते, कोई उपयोग नहीं। इधर से पाप का भागी होकर के आया और इधर आने पर मालूम हुआ कि तेरी रानी रूठ गई है, कोप भवन में पड़ी है। तो डर के मारे अपनी पगड़ी और मुकुट उतार कर कांपते हाथों से उनके चरणों में जाकर क्षमा याचना की, भूल हो गई, अब बिना तुमसे पूछे कहीं नहीं जाऊंगा, इस बार माफ कर दो, बड़ी मुश्किल से माफी दी। इसके बाद 307 गंधर्वों और 307 गंधर्वियों को लेकर चंद्रदेव नाम का एक गंधर्वराज नगरियों को लूटता फिरता था, उसने आक्रमण किया और उसकी नगरी को लूटा। इसके बाद इससे संबंध नहीं पाया तब तक काल कन्या चली और उसने काल कन्या ने ये ऐसी अभागिनी थी जिसको पकड़ती थी दूल्हा बनाती थी, जिसको दूल्हा बनाती थी फिर मौत के घाट उतारती थी। इतना जो मौत के घाट उतारा, नारे जी कहते हैं कि प्राचीन बनी उस काल कन्या ने मुझको भी उतारा, महाराज मैं तुम्हें दूल्हा बनाऊंगी। मैंने प्रचार किया, चल अब क्या ये जिसको दूल्हा बनाती है मौत को घाट उतारती है, मैं नहीं तेरा दूल्हा बनता। तो साफ दे दिया भटकना मंजूर है लेकिन तेरी जैसी हत्या या दूल्हा बनना मंजूर नहीं है। फिर उसने यमन राज को जाकर पकड़ना चाहा, तो यमन राज ने कहा कि मैं तेरा दूल्हा नहीं तेरा भाई बन सकता हूँ, ये मेरा छोटा भाई तो प्यार है और मेरी सेना, इसको लेकर के जा और जिसको चाहे दबोच कर दूल्हा बना। तो उसने उसी पुरंजन को जाकर दूल्हा बनाया और पुरंजन के केस पकड़े, दांत टूटे, आंख ज्योति मंदिरों में सिर और हाथ पांव काटने लगे, इसको बहुत घाट उतारा। मरते समय अपनी स्त्री पुरंजन की याद आई, इसलिए अगले जन्म में इसको स्त्री बनना पड़ा और विदर्भ देश की राजकुमारी बनकर पांडव वंश की राजा बने ध्वज से ब्याही गई। और जब उसके पति का देहांत हुआ तो विधवा बनकर के रो रहा था, तो उनकी रो रही थी तो पूर्व जन्म का पुरंजन था इसलिए रो रहा था, इस जन्म की राजकुमारी इसलिए रो रही थी। उसी समय इसका पूर्व जन्म का अविज्ञात नाम का सखा आया, कौन हो क्यों रो रहे हो मुझे पहचानते हो? नहीं तुम्हें नहीं पहचानती, मैं तो विदर्भ देश की राजकुमारी पांडव वंश की राजा मैंने ब्याही नहीं थी और पति का देहांत हो गया, मैं विधवा होकर चल रही हूँ। तब उसने कहा कि यार तुम विधवा नहीं हो, तुम औरत नहीं हो, तुम तो मेरे पूर्व जन्म के अभिज्ञात है, पुरंजन नाम के सखा हो, मैं तेरा अभिज्ञात नाम का सखा हूँ, चल मेरे साथ, क्या यहाँ विधवा बनकर के रो रहा है? मतलब नहीं समझे, इसका मतलब और समझा दीजिए। तब श्री नारद जी ने बताया कि वह पुरंजन दूसरा कोई नहीं है, वीर जो है वही पुरंजन है और परमात्मा इसका अविज्ञात नाम का सखा है। नौ द्वार की नगरी एक शरीर है, इंद्रिय दो नेत्र द्वार, दो श्रोत द्वार, दो नासिका द्वार, छह सातवां मुंह और आठवां और नौवां मल और मूत्र त्याग
इसमें रहने वाली बुद्धि जो है वही कुंडलिनी है, पर प्राण जो है वही पांच क्षण वाला सर्प है, दस इंद्रियां जो है वही पहलवान है, ग्यारहवां मन जो है वही महायोद्धा है, इसकी जो सैकड़ों वृत्तियां है इसकी वही इसकी सहेली है। ये जीव रूपी कुंडलिनी बुद्धि से साक्षात करके परमात्मा को भूल जाता है और बुद्धि का गुलाम बन जाता है, और इससे राय में उनका कहीं अगर शिकार खेलने में शिकार खेलने के पांच बिंदु है, नेत्र के रास्ते से रूप का शिकार, कान के रास्ते से शब्द का शिकार, जीवा के रास्ते से होटल इत्यादि में रस का शिकार, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के अखाद्य पतेह का सेवन करके पाप कमाता है, लौट के आता है तो बुद्धि महाराज बुद्धि को जैसे तैसे मनाता है, तो चंद्रदेव रुकता है नर्मराज, वो कौन है संभक्त साल भर का समय नगर लूटने वाले 307 दिन कौन है साल भर के 307 दिन और 307 रात्रियां, ये हमारी जिंदगी की आयु रूपी संपत्ति को लूटती है, इनसे छूटा तो कालकन्या अमर करते हुए दबोच को दूल्हा बनाती है, वो कालकन्या कौन है बुढ़ापा, कितना भी बढ़िया टूथपेस्ट लगाइए, कितना भी बढ़िया कंपनी का हेयर ऑयल लगाइए, ये बुढ़ापा प्रबोच लेती है, केस पक जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, गालों में झोली पड़ जाती है, आंखों की झोली लंबी पड़ जाती है, हाथ पैर से कांपने लग जाते हैं, ये मौत के घाट का जो कालकन्या यही बुढ़ापा है। और यमनदार काल है, मृत्यु देवता है, और उसका छोटा भाई प्रज्वा ज्वर बुखार इत्यादि रोग है, उनके चक्कर से बचना हो तो उस अभिज्ञात नाम के सखा परमात्मा की शरण में करके रहो, वही तुमको खुला सकता है। ठीक है हमारा जैसे प्राचीन वैद्य राजा भी भगवान की शरणागति के द्वारा और उन्होंने गोवर्धन जैसे को छुड़ाया भगवत कृपा लाल की, इस प्राचीन वैद्य राजा के 10 पुत्र थे जिनका नाम था प्रचेता, इन प्रचेताओं ने अपने पिता की आज्ञा से सदस्या की, शंकर भगवान के उपदेश के रुद्रगीत के द्वारा भगवान की आराधना की और प्रजा विस्तार का वर्णन प्राप्त किया। समुद्र से निकल कर जब लौटने लग गए तो इतने जंगल वृक्षावनी घनी हो गई थी, इनको रास्ता नहीं मिल रहा था, तो इन प्रचेताओं ने अपने मुख से तपस्या के बल पर आग उगल कर वृक्षों को जलाना शुरू किया। फिर